जनपद अमेठी के जायस कोतवाली अंतर्गत मौजमगंज पुल के पास कल देर शाम 7:30 बजे के करीब एक स्कॉर्पियो जो बिना नंबर की थी उसने एक दुर्घटना की जिसमें पति पत्नी की मौत हो चुकी है और 2 बच्चे जो है उनके घायल हैं, जिसमें आदित्य जिनकी उम्र 35 साल थी, आदित्य सोन का नाम है उनका, और उनकी अस्पताल में मौत हुई और मौके पर जो उनकी पत्नी सपना थी उनकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। ये उनका परिवार है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये उद्वत कपुरवा के रहने वाले थे और इनके घर की हालत आपको दिखाते हैं। गरीब परिवार था इनका और ये अकेले ही परिवार की भरण पोषण करने वाले, इनका लंबा सा परिवार है। और इनके पिताजी ने जब से खबर सुनी है उनका हालत देख लीजिए, ये बेहोश है, इनकी हालत आप देख सकते हैं। इनका परिवार है और ये जो मृतक हैं आदित्य, उनके पिताजी हैं। और जब से इन्होंने सुना हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले इनके दूसरा लड़का था, बीमार था, वो भी ख़त्म हो गया और वो इकलौता बचा हुआ था लड़का इनका, उसकी भी मौत हो गई है सड़क दुर्घटना में। इनके घर के हालात हम आपको दिखाते हैं, ये गरीब परिवार किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था। ये देखिए, ये झोपड़ी में रह रहे थे और वही एक कमाने वाले थे जिनकी मौत हो गई है कल एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने, जो उनको रौंद दिया, जिसमें तत्काल मौके पर उनकी पत्नी की मौत हो गई, दूसरा वो बच्चे जो हैं वो घायल हैं। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार। आप इन्हीं के घर के बगल में रहते हैं या अपने परिवार में हैं? ये बताइए कि इनके परिवार में और कौन कौन है? इनके परिवार में भी एक लड़की है जी, शादी करने वाली, यानी कि कहाँ है वो, ये खड़ी है, ये लड़की है जी जी, और एक लड़का है छोटा, कहाँ है अच्छा ये बताइए कि वो क्या करते थे? कौन? आदित्य तो सर कहीं ईटा गारा तक कर रहे थे, कहीं पलुहा, कहीं तसला, कहीं ईटा गारा करने ही काम करते थे, कुछ नहीं बाकी कोई काम नहीं। अच्छा, तो जो बाकी उनके जो बच्चे थे उनकी हालत क्या है अभी, है जानकारी कुछ? हालत उनकी सर क्या बताएं, पता लगती है कि उनकी हालत अभी जो है कि गंभीर है। उनके बच्चों अच्छा, तो आप लोगों को कब जानकारी हुई? ये रात में 7:30 बजे। अच्छा 7:30 बजे, तो फिर गए तो वहाँ देखा क्या हाल थे वहाँ पे? वहाँ पे हाल ये थी सर, गाड़ी लड़ी थी और वो गाड़ी टर्न मार के उड़ गई थी, वहाँ तक गई थी उड़ के इतने दूर तक। अच्छा, तो मतलब धान के खेत में पड़ी हुई थी, पुल के नीचे बहुत दूर गई थी। हाँ, फिर वहाँ से देख के हम लोग आए थे। हाँ, तो अच्छा मौके पे ही उनकी जो पत्नी थी सपना, हाँ, वहीं पे खत्म हो गई, वहीं पे खत्म हो गई थी। और जो उनके पति आदित्य थे उनकी हालत कैसी थी? उनकी हालत ये थी कि वहाँ से लेके गए थे रावली, जब रावली पहुँचे तो वहाँ पे यानी कि जो जहाँ फट गया था, सर फट गया था, पैर फट गया था, ये टूट गए दोनों, तो ये सब टाँका लग रहा था। अच्छा, इतना दवा सुई में उनका करने में जो है कि वो भी खत्म हो गए, रात में दवा करते करते ही खत्म हो गए। तो पीछे से टक्कर मारी, पीछे से मारा था, और गाड़ी अभी भी थाने में जमा है। वो गाड़ी का हिस्सा होता है, पीछे वाला साकर जो होता है, ये गाड़ी का, ये फिरर, ये उड़ के ऐसे हो गया है। अच्छा, पूरी गाड़ी का आगे कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से पूरी गाड़ी जो है टंकी ऐसे घूम गई है। अच्छा, टेढ़ी हो गई है, तो मतलब वो पीछे से रौंद दिया है। हाँ, पीछे से मारा है, पीछे टक्कर मारी थी, तेज रफ्तार थी, बहुत तेज, ये हाल था। तो अभी आप लोग क्या चाहते, क्या हो? हमें चाहते हैं सर कि हमको ये संविधान चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए बस। चाहिए कुछ बच्चों को, ये बच्चे हमारे सहायता चाहिए, सहायता चाहिए, छोटे पिताजी पड़े हैं वहाँ पे, चाची पड़ी है अस्पताल में, उनकी भी दवा हो रही है, वो भी परेशान है, बाकी की हमको कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये पूरा परिवार जो है कि समझो कि बेकार हो गए हैं। कोई चीज सहायता चाहिए गवर्नमेंट से, और आवास दें, हाँ कुछ भी, ये सब कराएं, उनके तने के लिए जो दवा दें। और लड़की है, लड़की खाली है बस, अभी बच्ची, अच्छा बच्चे, एक लड़की है, लड़का वहाँ भर्ती है। अच्छा, प्रॉब्लम वो सीरियस एकदम, समझो कि बचे या ना बचे कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है सर, बाकी की इतना ही। तो ये देखिए, ये गरीब परिवार है, इसके ऊपर कल साहब, उनका फाले फिरे, उनका दवा चल रही है।